हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स हैज़ डार्विन गिवन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस? कौन सी बुक में दिया है डार्विन ने एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस? तो इस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आंसर इज बी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसमें एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और डार्विन ने अपनी बुक में जो नाम है जिसका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मेंशन किया है कि एवोल्यूशन हैज़ ऑकर्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट लानीना? लानीना के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो चलिए देखते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म लानीना इज क्राइस्ट चाइल्ड। ये गलत है, क्राइस्ट चाइल्ड नहीं है, ये तो एलनिनो का हो जाएगा। लानीना में होता है गर्ल चाइल्ड, लिटर इसका मीनिंग होता है गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड, सॉरी। ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ दिस कंडीशन सी सर्फेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पैसिफिक राइजेस अबव द नॉर्मल। ये भी एलनिनो की कंडीशन दी गई है, लानीना की नहीं है, ये इसके उल्टा होता है, एकदम लो हो जाता है टेम्परेचर यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों के दोनों गलत हैं, तो आंसर है नाइदर वन नॉर टू। ओके, नॉर्मल ईयर में ये कंडीशन होती है, लानीनो में ये कंडीशन होती है। सॉरी, नॉर्मल ईयर दैट मीन लानीनो, लानीना, और एलनिनो में ये कंडीशन होती है। लानीना हमारे लिए अच्छा है, इंडिया के लिए, इंडिया के मानसून के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ वाला तट, यहाँ वाला पार्ट जब गर्म होता है, मतलब लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो हमारे यहाँ हो जाती है बारिश, तो ये हो जाता है इंडिया के लिए अच्छा। और एलनिनो वाले में हाई प्रेशर हो जाता है और लो टेम्परेचर हो जाता है, तो हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द रिवर आइलैंड यूडो लोकेटेड? यूडो लोकेटेड कहाँ है? तो ये साउथ कोरिया में लोकेटेड है। आंसर इज बी, ये रिवर आइलैंड है। और कौन सी रिवर पे है? ये रिवर का नाम है हैन, हैन रिवर है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये फाइनेंशियल सिटी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट है ये साउथ कोरिया का। द लेना डिस्ट्रिक्ट, द लेना डेल्टा इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? लेना डेल्टा कौन सी कंट्री में है? तो ये है रशिया में, ये रहा आपका लेना डेल्टा, ये है, ये रहे आपका लेना डेल्टा, लेना डेल्टा। और इसका साइज कितना है? 30,000 स्क्वायर किलोमीटर, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है और ये शाखा रिपब्लिक ऑफ रशिया में लोकेटेड है। विच वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू विजिट द प्लैनेट जुपिटर? फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट कौन सा है? तो ये पायोनियर 10 है। आंसर इज बी, पायोनियर 10 वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू मेक द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द प्लैनेट जुपिटर। और ये गया कब था? 1973 में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट ब्राइट स्टार टू रीच द अर्थ? तो नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है, और इसको लगता है 4.22 लाइट ईयर्स, इसकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है। और सूर्य का लाइट पहुंचने, अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है सूर्य की लाइट पहुंचने में, सन। ओके, इन कॉन्टेक्ट विद द इंटरनेशनल बॉर्डर्स जीरो पॉइंट रिफर्स टू एन एरिया ऑन द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स? तो ये जीरो पॉइंट रिफ़र करता है किसके बॉर्डर को? तो ये रिफ़र करता है ईरान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर को। आंसर इज बी, और ये कुल 959 किलोमीटर का बॉर्डर है।
Which among the following are commonly known as shooting star? किसको shooting star कहा जाता है? तो meteors को shooting star कहा जाता है. Okay? ये रहा आपका meteors. Meteors is usually a small object जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कॉमनली ओकेजनली इंटर कर जाता है, उसको मेटियोर कहा जाता है. सम मेटियोर्स आर लार्ज, कुछ मेटियोर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं और कंप्लीटली एवेपोरेट नहीं होते हैं और अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं, तो उनको कहा जाता है मेटियोराइट. जो अर्थ तक पहुंच जाते हैं अर्थ के सरफेस पे, उसको मेटियोराइट कहा जाता है. ओके okay? और मेटियोर्स जो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और वहीं पे इवेपोरेट हो जाते हैं, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं. द कटांग प्लेटो इन अफ्रीका इज नोन फॉर विच, नोन फॉर रिच डिपॉजिट ऑफ. तो कटांग प्लेटो कहाँ पे है? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है वहाँ पे है. और ये रिच है किसके लिए? कॉपर एंड एल्युमिनियम के लिए रिच है. और इसका एलिवेशन कितना है, मतलब सागर तल से ऊंचाई इसकी कितनी है? 1220 मीटर की ऊंचाई पर ये है सागर तल से. और ये जो प्लेटो है और किसके लिए है? गुड फॉर फार्मिंग एंड रैंचिंग, और सीजनल रेनफॉल इसको बनाता है फर्टाइल एरिया. सरिस्का एंड रणथंबोर आर द रिजर्व्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सरिस्का और रणथंबोर किसके रिजर्व हैं? ये टाइगर रिजर्व हैं, दोनों के दोनों ही राजस्थान में हैं. द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट लेह टू कश्मीर वैली थ्रू विच पास. नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह टू कश्मीर वैली को थ्रू जोजिला पास. ओके okay? और जोजिला पास 3528 मीटर के एलिवेशन पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग टैग लाइन वॉज यूज एज द मोटो फॉर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011. तो मोटो कौन सा यूज किया गया था? तो ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर. आंसर इज ए. 2011 का जो सेंसस था वो 15वें नंबर का सेंसस था कंट्री का. नेशनल वाटरवेज 4 कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया. ये वाटरवेज दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 सारे देख लीजिए. ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है. ओके तो नेशनल वाटरवे जो 4 है वो किसको कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है काकिनाडा और पुडुचेरी को. आंसर इज डी. ये रहा पुडुचेरी और काकिनाडा को कनेक्ट करता है. इसकी कुल लेंथ है 1905 किलोमीटर और ये कोरोमंडल जो तट है ना उसी के अलोंग चलता है. ये आपका कोरोमंडल तट है ना, उसी के अलोंग ये चलता है. विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड देयर प्लेसेस आर करेक्ट. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट दिए हैं, उनके प्लेस दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है. भितरकनिका ओडिशा में है, बिल्कुल सही है. सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ये भी बिल्कुल सही है. पिचवरम तमिलनाडु में, ये भी सही है. कोरिंगा आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है. सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज डी. ये मैंग्रोव फॉरेस्ट दिए हुए हैं. सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट वर्ल्ड का ये आपका सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में जो है, और ये इंडिया का भी सबसे बड़ा है. और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है आपका भितरकनिका का. विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज known as fruit ball of Kumaon. Fruit ball of Kumaon किसको कहा जाता है? तो ये रामगढ़ को कहा जाता है. आंसर इज सी. रामगढ़ हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन नैनीताल. नैनीताल में है और फ्रूट बॉल कहा जाता है फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊ. द माही बाजार सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. माही बाजार सागर डैम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान में लोकेटेड है. आंसर इज ए. ओके okay. और माही रिवर पे ये लोकेटेड भी है. जमनालाल बजाज जी के नाम पे इसको रखा गया था और ये इसकी कैपेसिटी है 140 मेगावाट की. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट
स्टेट्स इन इंडिया. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो इंडिया है, कौन सा स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, कर्क रेखा पास करती है? तो ये त्रिपुरा और मिजोरम है. आंसर इज बी. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया के 8 स्टेट से. कौन कौन सा है ये? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ये लाइन दी गई है, देख लीजिए. द सेम टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी सीन जनरली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया विच रिसेंबल द लदांग पैटर्न ऑफ इंडोनेशिया. लदांग पैटर्न कहाँ का है? इंडोनेशिया है का है, और वही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी होता है. तो इसको कौन सा पैटर्न है? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी होता है. ये है लदांग कहा जाता है इंडोनेशिया में, और इंडिया में झूम खेती कहा जाता है. इसमें होता क्या है? स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न होते हैं. ओके, आंसर ए है इसका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चंबल रिवर डज नॉट फ्लो. चंबल रिवर कहाँ से फ्लो नहीं होती है? तो ये स्टेट है आपका गुजरात. गुजरात से फ्लो नहीं होती है. ये रही आपकी चंबल रिवर. चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर. यमुना रिवर ये रही आपकी ट्रिब्यूटरी है इसकी, और यमुना रिवर आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है. द रिवर फ्लोज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट थ्रू मध्य प्रदेश, और रन करती है राजस्थान से, और ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश बिफोर टर्निंग साउथ ईस्ट, और यमुना से जाकर ज्वाइन कर देती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में. विच अमंग द फॉलोइंग पीक्स इज ऑल्सो नोन एज फाइव ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो. कौन सी पीक को कहा जाता है फाइव ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो? तो ये पीक है कंचनजंगा. आंसर इज सी. कंचनजंगा इज नोन एज फाइव ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.